मंडी का शिवरात्रि मेला 3 मार्च को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, लेकिन व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। 16 मार्च तक मेला इसी प्रकार से सजा रहेगा। पिछले कई दिन लगातार हुई बारिश से भी व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार को धूप खिलने पर कुछ हद तक लोगों की भीड़ मेले में खरीदारी करती हुई नजर आई। पिछले कई दिन लगातार हुई बारिश से और महंगे दामों पर आवंटित की गई दुकानों के कारण इस बार मेले में आए व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर आए हुए व्यापारी अपने घाटे का रोना रो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके प्लॉट का रेट गत वर्ष के मुकाबले इस बार कई गुना अधिक है। वहीं मेले के दौरान जारी रही बारिश के कारण लोग अधिक खरीदारी नहीं कर पाए। वहीं कुछ व्यापारियों ने नोटबंदी को भी घाटे का कारण बताया है। अमृतसर से हैं, सूटों का काम है हमारा, ये वाला तो काम बरसात की वजह से जो है थोड़ा ढीला रहा, बरसात की वजह से नहीं है, नोटबंदी की भी वजह है और वो कस्टमर कम है और थोड़े जो स्टॉल महंगे हैं, स्टॉल काफ़ी महंगे थे, उसकी वजह से थोड़ा बाद में स्टॉल दिया, ये वाला उसकी वजह से। बाकी तो काम वैसे इस बार ऐसे है, एक तो बारिश की वजह से, दूसरा जो है ना नोटबंदी की वजह से भी काम कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है इतना जो मेले में खर्च करते आगे, ये मेन वजह यही है। कुल मिला के ढीला ही है, कम होया। मैंने सोचा कि मेले में स्टॉल लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छे इतने महंगे स्टॉल कर रखे हैं इन्होंने। आम व्यापारी का काम करना बहुत ही दुर्भर हो रहा है। 60-60 हज़ार के, 70-70 हज़ार के स्टॉल हैं। अब आप ये देखें कि इस तरह गरीब आदमी कैसे एडजस्ट करेगा, पहले ही बोलिए अलग अलग के। अभी मेले में कुल मिला के व्यापार कैसा रहा? मेले में व्यापार बहुत ही हल्का रहा और 6 दिन से तो इतनी बारिश है कि काम लोगों के बहुत टफ है, घर से भी देखे पूरे नहीं पड़ रहे हैं और अधिकारी लोग कह रहे हैं कि महंगे से महंगे स्टॉल लो, 2-2 करोड़ रुपये के ठेके छूट रहे हैं, अब गरीब आदमी क्या करेगा। मौसम साफ होते ही पटेल मैदान में अब भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यापारी घाटे का। इस वर्ष व्यापारी वर्ग मेले में अच्छा कारोबार न होने की बात कह रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि इस वर्ष उनके व्यापार में कुछ बारिश ने खलर डाला और कुछ प्लॉट के रेट में की गई बढ़ोतरी ने कुछ एक ही व्यापारी होंगे जिन्हें मेले में मुनाफा हुआ है। और हम सब बहुत अच्छा रहे, अपने चार बहुत ही तरीके ने जी, सब बहुत अच्छा लगे। मंडी शहर बहुत चंगे लोग रहते इतने, सू बहुत वजिए सुपास होया। इतने 30 हज़ार रुपया थे पटल ग्राउंड में, 25 हज़ार रुपया रोजाना बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत बहुत अच्छा गाँव करता है। कैसा रहा आपका व्यापार? बहुत अच्छा। मसाला चार जी, आम का, आम की चटनी, मशरूम, करौंदा और आंवला, करेला, नींबू, मीठा नींबू, गाजर गोभी, हरी मिर्ची, सूढ़ा, गेंदा, लहसुन, अदरक, बहुत हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा जी। आठ मौसम इस बार बहुत घाटा हो रहा है, घाटा चल रहा है, बिक्री है नहीं, पब्लिक ही नहीं। कुल मिला के कैसा रहा व्यापार? कुछ नहीं रहा साहब, दुकानें बहुत महंगी हो रही हैं, मतलब हर साल दुकानों का रेट बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें इतनी महंगी हो गई हैं, जितने की दुकानें इतने बिक्री भी नहीं हो रही है, माल तो सब जा रहा फ्री में, अभी खर्च पूरे नहीं हुए हैं समझो, जो खर्च है इतनी बिक्री नहीं हुई जितने का खर्च आए। इस बार तो मेला ठीक नहीं रहा, पिछले साल ठीक था, इस बार बारिश के कारण 4-5 दिन हमारे खराब हो गए, इसकी वजह से हमारा काम ठीक नहीं रहा। अब देखो अगर टाइम मिलता है इसके अंदर तो कुछ हो जाएगा इसके अंदर, नहीं तो फिर नुकसान से जाना पड़ेगा इसे, क्योंकि दिन भी 4-5 ही दिन बचे, ज़्यादा ज़्यादा 20 तक लग जाएगा, ये 20 तक भी हमारा कुछ नहीं होने का, क्योंकि हम 1,40,000 रुपये की दुकान दी है, इसमें काम धाम तो हुआ नहीं बिल्कुल बारिश की वजह से, और ये जो डोम लग गया इसकी वजह से और भी नहीं हुआ, मतलब बारिश तो नहीं आई यहाँ पे, लेकिन कस्टमर नहीं आया इस बार, अंदर कस्टमर ने एंट्री नहीं करी, मज़ा नहीं आया। सोमवार को मेला काफी हद तक भरा पूरा नजर आया और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने दिन भर खरीदारी की। सुहाना मौसम होने की वजह से लोग दिन भर मेला मैदान में नजर आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।